नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। विश्व को अहिंसार पाठ पढ़ाई भारत। जातीय मानवाधिकार कमिशन 28वां स्थापना दिवस में मोदी अभिभाषण, कहले मानवाधिकार रक्षा देशवासी सर्वोच्च कर्तव्य। विरोधी को कले टार्गेट, कहले मानवाधिकार आड़े राजनैतिक स्वार्थ देखुं विरोधी। गरीब और महिला अधिकार सरकार प्राथमिकता। पिलांको पाई संजीवनी एक्सपर्ट कमिटर अनुमति परे खूब शीघ्र पिलांको टीकाकरण संभावना सृष्टि। डीजीसीआई रो अनुमति परे 2-18 वर्ष वयस पिलांको दियाजिबो टीका। आरंभ हैला पौर निर्वाचन पाई प्रक्रिया। वार्ड पुनर्गठन सह कराजिबो संरक्षण। गेजेट विज्ञप्ति परे नगर उन्नयन विभाग उपरे राजनैतिक दलर नजर। बीजेपी कहला यह राज्य सरकार छद्म तत्परता। कांग्रेस कहला आउ निर्वाचन बंद करने को चेष्टा कले हेबो प्रतिवाद। बीजेडी जवाब आईन अनुसार हेउछि पौर निर्वाचन। ओमफेड रे 207 कोटी रो बड़ घोटाला। ऑडिट रे धरा पड़ा महादुर्नीति। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर आसीथिबा टंका चलु। टंका हड़प करथिबा अधिकारीक ठारु 30 कोटी आदाय पर ऑडिट टीम रो सुपारिश। एपटे लोकायुक्त रे गळुछि मामला। राज्य रे आईपीएल सट्टाबाजी को नहीं सनसनी खुलासा। ब्रह्मपुर विदेश लिंक किंगपिन ऑपरेट करुछि पूरा साम्राज्य। लक्ष लक्ष टंका बाजरे लगाउछन्ति युवपीढ़ी। ऑनलाइन रे विदेशी आप जरिया रे नेटवर्क सक्रिय। साहज खोलकु किए देव सुरक्षा। संरक्षित जंगल उपरे माफियांको लोलुप दृष्टि। वन विभाग व माफियांको मिली भगत रे ध्वंस हेउछि जंगल। लूट हेउछि मूल्यवान काठ। काहीकि चुप वन विभाग। साहज खोल संरक्षित जंगल रु देखिबा अर्गस रो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। भुसुडुछि लाल दुर्ग। माओ ऑपरेशन रे पुलिस को बड़ सफलता। मालकानगिरी रे पुलिस माओ गुड़ी विनिमय रे 3 माओवादी निहत। तुलसी पहाड़ जंगल शिविर उपरे चढ़ाऊ। विपुल माओ सामग्री जबत। एवं महामाया महासप्तमी मां चक्षुदान पर वेदध्वनि। मंत्रपाठ में प्रकंपित पीठ। विभिन्न शक्तिपीठ में महाअष्टमी पूजा। षोडश उपचार विधि में चली पूजा। देखवा संपूर्ण खबर। विश्व को अहिंसार पाठ पढ़ाई भारत। मानवाधिकार रक्षा देशवासी सर्वोच्च कर्तव्य। भारत लगातार भाव पृथ्वी को मानवता एवं अधिकार संपर्क में नुआ बार्ता देवा जारी रखी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार जातीय मानवाधिकार कमिशन 28वां स्थापना दिवस अवसर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में जोगदे कहते। मानवाधिकार प्रसंगे विरोधी को प्रधानमंत्री का टार्गेट। मानवाधिकार आड़े निज राजनैतिक स्वार्थ देखुचंति विरोधी। विश्व को अहिंसार पाठ पढ़ाई भारत। मानवाधिकार वार्ता देई सारा विश्व को। सिलेक्टिव व्यवहार गणतंत्र विपद। गरीब और महिला अधिकार सरकार प्राथमिकता। स्वाधीनता भारत संघर्ष को बिना हिंसा बापू आग को नहीं सारा विश्व यह देखी। पूरा विश्व को अहिंसार पाठ पढ़ाई भारत। भारत लगातार पृथ्वी को मानविकता एवं अधिकार संपर्क में नुआ बार्ता देवा जारी रखी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दिन जातीय मानवाधिकार कमिशन 28वां स्थापना दिवस अवसर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में जोगदे अवसर में मानवाधिकार उल्लंघन कथा उठाउथिबा विरोधी को तीव्र समालोचना करिछंति प्रधानमंत्री मोदी। विरोधी माने केवल निजर राजनैतिक फायदा हासिल एवं निजक सुहाइला परी घटनारे मानवाधिकार कथा चिंता करुछंती किंतु निजर फायदा नथिबा समान घटनारे मानवाधिकार कथा उठाउ नहंती। विरोधी को एही सिलेक्टिव व्यवहार गणतंत्र पई विपद सृष्टि करिछि। मानवाधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूँ। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग
अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। वर्तमान सरकार को पाई देशर गरीब जनता और महिला को सुरक्षा और सुविधा सबुठारु बड़ा प्राथमिकता। एनएचआरसी पछुआ वर्गर लोकों अधिकार और सम्मान को सुरक्षा जगाई देवारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। जनधन अकाउंट खोला जाई गरीबों पाखरे सीधा सड़क पैसा पहुंचाई दिया जाउछि। गरीबों को मिलिछि डिग्निटी, महिला को मिलिछि घरर मालिकाना, देशर 80% लोकों को मिलिछि मागणा राशन। कोरोना काल रे गरीब असहाय वयस्क मानक पई समस्त सहाय्य सहयोग करा जाइछि। प्रवासी मानक को मिलिछि वन नेशन वन राशन कार्ड। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी डेबिट कार्ड के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रुपए कार्ड मिलता है, जेब में जब रुपए कार्ड होता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशों पर आश्रित था, उसे जब घर बैठे उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जिन महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलता था, जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओं बहनों की डिग्निटी बढ़ती है। भारत सब बड़े सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति रे आगे को बढ़ी चली। यही धारा रे भारत सब बड़े समस्त मानवाधिकार ऊपर ध्यान देव बोली अवसर रे कहिछन्ति प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पिलांको पाई संजीवनी एक्सपर्ट कमिटी अनुमति परे खूब शीघ्र पिलांको टीकाकरण संभावना सृष्टि होछे। तबे एथिपई डीजीसीआई रे अनुमति दरकार। ए अनुमति मिलिबा परे ही 2 रु 18 वर्ष वयस पिलांको टीका दिया जिवो। पिलांको पाई संजीवनी खूब शीघ्र पिलांको टीकाकरण संभावना। जेतेबेले तृतीय लहर संक्रमणर आशंका बढ़िथिला सेतेबेले भय बढ़ाइथिला छोट पिलांको कोरोनार संभाव्य संक्रमण। तेबे राज्य रे स्थिति नियंत्रणाधीन थिबाबेले छोट पिलांको एतेटा प्रभावित करिनथिबाबेले 2 रु 18 वर्ष पिलांको पई कोवैक्सिन रो जरूरीकालीन व्यवहार को मिलिछि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी रो अनुमति, जहां सामान्य आश्वस्ति आनि दैछि। एबे जो डिसिजन निया हेछि थर्ड फेज परीक्षा सरीछि, थर्ड फेज रो परीक्षा सरीछि माने एक प्रकार सेफ्टी लिमिट जणा पड़िछि। आशा करा जाय छै एटा ओटे संजीवनी भले काम करिवो। एटा ओटे बहुत भलो कथा जदि हम पिला मानु को शीघ्र टीका देई परिबा एवं जथा शीघ्र सरकार या पे पदक्षेप नियंतु काया जते तृतीय लहर भय रहउची एवं पिला माने बेसी संक्रमित होवार आशंका रहउची एवं जथा शीघ्र हम तांको टीका देई परिबा एटा निहाति भरे समस्त बडे भलो पदक्षेप हो। भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर पक्षरु मिलित भाबे निर्माण होइथुबा एई टीका भूताणु विरुद्ध रे फलप्रद बोली प्रमाणित होइछे। एही स्वदेशी टीकार दुईटी डोज पिलांको दियाजिव, दुई डोज मध्ये 20 दिनर व्यवधान रहिव। भारत बायोटेक सेप्टेम्बर रे 18 वर्षरु कम पिलामानक उपरे कोवैक्सिन रा द्वितीय पर्याय एवं तृतीय पर्याय परीक्षण शेष करि सारिछे। चलित मास आरंभ रे डीसीजीआई को समस्त तथ्य देइथिला भारत बायोटेक। ट्रायल रो भलो खबर मिलिथिबारु सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी छोट पिलामानक एहार डोज देबाकु अनुमति दिछे। एबे डीसीजीआई रो अनुमति मिलिबा परे टीकार व्यवहार देशरे आरंभ हेबो। जो छुआ माने कोविड आक्रांत हेले तांको जीवन को किंबा गुरुतर अवस्था रे पहुंची बारो जो माने को बेसी रिस्क अछि, जो माने को बेसी समस्या अछि, से माने को निश्चित भाबे मुहाबुची वर्गीकरण करबा उचित। अति अति शीघ्र जदि हमें एही
ବର୍ଗର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ 2-8 ବର୍ଷ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200-300 ଭିତରେ ରହିଆସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଏପରିକି ଆଇସିୟୁରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିସନ ସଂଖ୍ୟା 1%ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜନଗହଳି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 2-3 ଦିନ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବଜାରରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ତେଣୁ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ବଢ଼ିବ। ଆମର NCDC କହୁଛି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରିଗେସନ କମାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳନ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଦରକାର ସେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା। ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବା ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ରଖିବା ଦରକାର ଥିଲା, ହୁଏତ ଯଦି ଏବେ ଫେର୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି 1 କ୍ରସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱିଥ୍ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଅଧିକା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଜ ଆସିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କରୋନା ଟିକାକୁ କେବଳ 12 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଭାବେ 2-18 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏହି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏଥିସହ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଫିଟିଲା ବାଟ, ପୌର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସର୍ବାଧିକ 50% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯିବ। ବିଜେପି ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା କହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏବେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ 2-3 ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2018 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବୋର୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ 50% ଭିତରେ ରହିବ, OBC ସଂରକ୍ଷଣ 27% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୋଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନ 50% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ OBC ରିଜର୍ଭେସନ 27% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପପୁଲେସନ ରହିଛି ସେ ପପୁଲେସନକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିବା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ତେବେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା ଏଥିରେ ଦେଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ନାଇଁରେ ତେଲ ପକାଇ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଅଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିହାତି ହେବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭ ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଠିକତାର ସହିତ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆଇନ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆଇନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାର ଇଏ କରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଲେକ୍ସନ ତାର ହେବ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
तबे विज्ञप्ति परे सरकार पुणि थरे धीमे जिबे ना निर्वाचन पई पर्यायक्रमे आगक बढ़िबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखुछन्ति प्राइम ओडिशा समय होइछे एक ब्रेक रो। ब्रेक में स्वागत। ओमफेड रे बड़ घोटाला ऑडिट रे धरा पड़िला 207 कोटी रो महादुर्नीति कथा सामना को आसीबा परे टंका हड़प करितबा अधिकारी को पाखरु 30 कोटी आदाय पई सुपारिश करिछि ऑडिट टीम। चासी को अकाउंट को सीधा पैसा पठाइबा आळरे चळु होइछि कोटी कोटी टंका। देखिबा अर्गस रो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओमफेड रे 207 कोटी रो घोटाला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पई आसीथिबा टंका चळु लोकायुक्त रे गडुछि मामला बाटमारणा हेउछि केन्द्रीय योजना टंका कृषकों ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था न करी ऑफिस कार्यर टंका उड़ाई देला ओमफेड। एभली किछि अभियोग एवं ओडिशा राज्य समवाय दुग्ध उत्पादक महासंघ नारे नजर पकांतु मत्स्य और पशु संपद विभाग ए ऑडिट रिपोर्ट उपरे 63 विभिन्न स्कीम रे आसीथिला 207 कोटी 44 लाख टंका तबे प्रोजेक्ट आम ठीक समय सरु नथिबा बेले आसीथिबा टंका हेरफेर होईछि। ऑडिट्रे यह धरा पड़ा पर 30 कोटी 65 लाख टंका संप्रुक्त अधिकारी पाखरु आदाय पई सुपारिश करछन्ती ऑडिट टीम। यही अनियमितार मास्टरमाइंड होछन्ती प्रोजेक्ट डिविजन मुख्य जेबी महापात्र और डीजीएम फाइनान्स एससी अल्टिया। तो यह दुर्नीति को जो सामना को अणगला एवं यही सामना को आनला पर लोकायुक्त जो मामला दाखल करागला 60,000 पेज रो 60,000 पृष्ठार माने जवाब देछि ओमफेड जोटा कि कॉपी हमको दबा पे बर्तन लोकायुक्त माने देई परना कारण 60,000 पृष्ठार कॉपी हमको केमि देबे एबे नजर पकांतु केमिति 1 कोटी 26 लाख टंका को चळु करछंती 6 सरकारी बाबू। 2013 मसिया रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रे ओमफेड को आसीथिला 5 कोटी 56 लाख टंका उद्देश्य थिला दुग्ध चासी को ऑनलाइन पेमेंट दिया जिवो टंका सीधा समान को खाता को जिवो। एही समय रे ओमफेड एमडी थिले संजीव मिश्र। ओमफेड रे ईपीआर सिस्टम पई एक सॉफ्टवेयर व्यवहार करबा को टेंडर डका गला जेउथरे 15टी कंपनी भाग नैथिले। मधुसूदन पाड़ी सीएमडी हेबा परे ओएसिस कंपनी को एही टेंडर दिया जायथिला। बड़ कथा हेउची पूर्वरु होइथिबा टेंडर रे ओएसिस कंपनी प्रत्याख्यान होइसारिथिला। काम आरंभ परे 5 कोटी 56 लाख रु कोटिए 26 लाख टका खर्च होइसारिबा परे एही खर्च को बेआईन दर्शाई निज पकेट रु भरणा करबा को ओमफेड को तागिद करथिले सेतेबडर मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी। विशाल गगन ओमफेड रो एमडी हेबा परे खर्च होइथिबा 1 कोटी 26 लाख रे व्यापक अनियमितता होइथिबा दर्शाई एथिपई दाई सरकारी ऑफिसर के विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबा को निर्देश देथिले। परे विभागीय 6 अधिकारी के विरुद्ध रे प्रोसीडिंग मध्ये हेला किंतु टंका फिरला नाही कि कार्यानुष्ठान हेला नाही। 2020 रे मामला लोकायुक्त को जीवा परे एपर्यंत तदंत चालुची। आ ऑनलाइन पैसा तो आसिलानी जेते सोसाइटी माध्यम रे पैसा आसे से भी आमे पाई पाइलो ना कहाँ भा 15 टका 20 टका रेट रे देखरी खेर दे नै हेते चीफ सेक्रेटरी थिले सेतबेले से रेकमेंड करचंती जे 6 जण जितेंद्र महापात्र एवं अन्य 5 जण ऑफिसर 6 जण ऑफिसर के विरुद्ध रे प्रोसिक्यूशन करिया पे एवं टोटल फंड पैसा सेमान थारु रिकवरी करिया पे एवं ए जो 1.6 करोड़ कहते वास्तव में ये कौन करते जो आरके भी स्कीम पैसा आता चाषी मैं बंटन करने से चाषी मानक नदे डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट न करके ये कौन कर ना सैप इम्प्लीमेंटेशन कर देते अन्न कराफल कि इलिगेल जोड़ा करास्तव में यह सब करके पैसा हड़प करवल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नुहे अगर किसी योजन ओमफेड को आसुवा टंका बाटमणा होता अभोग प्रश्न प्रमाण थर भी एभली दुर्नीति में लिप्त सरकारी अधिकारी विरुद्ध में कहीं कार्यानुषान नौना राज्य सरकार। काकटपुर आदित्य राउत पुरीर आलोक आशुतोष भुवनेश्वर रोशन नाथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आशा परवर्ती खबर को पुणी मातिले आईपीएल बुकी लक्ष लक्ष टंका बाजी लगाऊँ युवपीढ़ी ब्रह्मपुर विदेश लिंक सह चली डिल ऑनलाइन रे खेल बाजी विदेश रे सट्टाबाजी आईन सम्मत होता बेले आम देश में यह आईन सम्मत नुहे तेणु बाध्य होई विदेश वेबसाइट्र साज्य लोड़ुंट आम देश तथा राज्यर युवपीढ़ी केमिति चलुची पूरा नेटवर्क देखते रिपोर्ट। पुणी आरंभ हो जाएगी आईपीएल सट्टाबाज
संपूर्ण युवपीढ़ी पूरा मतुआला किंगपिन अधीन चली पूरा साम्राज्य केवल किंगपिन नुहे किंगपिन रही शाखा प्रशाखार सट्टाबाज साम्राज्य बड़ कथा खेल कौन ऑफलाइन नुहे यह संपूर्ण ऑनलाइन रे लक्ष लक्ष टंका खेलुचंती युवपीढ़ी पूर्वर ऑनलाइन रे एहा विदेशी आप माध्यम रे चालुथिबा बेले चलित वर्ष आप नहि खेलिबा पई रहिछि स्वतंत्र विदेशी वेबसाइट आम राज्य ओडिसा रो दक्षिण ओडिसा रो युवपीढ़ी एथिरे मजी जाइथिबा जानिबा को पाइछि ब्रह्मपुर पुलिस एमिति के किंगपिन समेत आठ जन को मध्य पुलिस गिरफ करिछि पूर्वर विभिन्न आप जगे सब बुक माने एही आईपीएल सट्टा खेल परिचालना करथुए बेले वर्तमान वेबसाइट रु फ्रांचाइज आनि खेल परिचालना करछन्ती चलित वर्ष आईपीएल पे www.sky.xm.com एवं www.nights555.in रु फ्रांचाइज अणा जायतिबा ब्रह्मपुर एसपी कहिसंती आम तो टोटल कैश सीजर हमर हिचे 863200 टंका तांको पाखरु ए कैश मिलिची तत्संगे संगे 1111 नंबर ऑफ मोबाइल फोन जेते मोबाइल फोन आपण मान देखुचंती से मोबाइल फोन द्वारा ए बैटिंग करा जाय बा बैटिंग रैकेट चले ये मोबाइल फोन आम सीज करूँ मोबाइल फोन आम पाई गोटे इम्पोर्टेन्ट टेक्निकल एविडेंस आम मोबाइल फोन रु पाइबू तत्संगे संगे जो मेन एक्यूज अच्छी जगन्नाथ चौधरी से ऑर्गेनाइज करूला सब बैटिंग तार तत्संगे संगे सात जन अन्य सात जन जो मैंने तार एजेंट थे ताने काम करुले आज गिरफ्त कर गिरफ अभियुक्त मानक ठारु पुलिस 863200 टंका जबत करबा सह सेमानक ठारु 5 लाख रु उद्ध टंकार नोट दामी मोबाइल जबत करिछि सेमानक बैंक अकाउंट को मध्य सीज करा जायछि एही लिंक आउ केतेडे लंबी छि ता खोजतार चलिथिबा सूचना मिलिछि गत वर्ष शहर रे धरा पड़िथिबा पुराना बुकी मानक उपरे पुलिस तीक्ष्ण नजर रखिबा परे सेमाने आईपीएल बेकिंग छाडी दैथिले यार सुजोग नहीं किसी युवक नुआ लिंक बाहर करी आईपीएल बेटिंग को पुणी दक्षिण ओडिशा रे चलाइथिले आईपीएल सीजन रे एमाने ग्राहक मानक थारु कोटी कोटी टंका आदाय करथिले एने पुलिस निकट रे सूचना पहुंचिबा परे नुआ गोष्ठी उपरे नजर रखिथिला समस्त को मोर निवेदन अछि एटा कोनोसी प्रकार स्थायी व्यवसाय नुहे कि किंतु आपको दूर करार अवस्था अच्छी सचेतन करार अवस्था अच्छी सरकार मध्य दृष्टि देकर नक किभली भाव सचेतन करेंगे ताकू दृष्टि देवा दरकार देखो ये आईन परमी विशेष दंड नहीं कठोर दंडर व्यवस्था ही नहीं भारत वर्ष आईन बदलवा दरकार पुलिस विभाग पुलिस जो साइबर टीम अच्छा से मैंने आपको तीक्ष्ण नजर जदि रखिए आम जिले में अंत विभिन्न जगार थिबा आईपीएल टीम धरा जाई परिवे तबे आगो को पुलिस केउ को किंगपिन निकट रे पहुचुची ताही अपेक्षा ब्रह्मपुर कैमरामैन शुभेंदु को सब पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज प्राइम ओडिसा रे समय होछि आउ एक ब्रेक रो ब्रेक पर पुनि थरे स्वागत आज महामायांक महासप्तमी विभिन्न मंडप गुड़िक मृण्मयी मूर्ति पाखे महासप्तमी पूजा कराई वेदध्वनि मंत्रपाठ से प्रकंपित हो पूरा पीठ अनेपटे आज शक्तिपीठ गुड़िक महाअष्टमी पूजा करा महामायांक महासप्तमी घंट घंटे प्रकंपित मंडप धरावतरण कर जगज्जननी माँ दुर्गा आज हे महामायांक महासप्तमी नदीकूल माँ दुर्गा लगे नवपत्रिका पूजा होगा मृण्मयी मूर्ति चक्षुदान करापर विभिन्न मंडपे आरंभ हो माँ पूजा वेद मंत्रपाठ से प्रकंपित होजा मंडप चलित बर्ष कोरोना कटका भितर जारी रही माँ पूजा संख्याधिक माँ भौणी मैंने आसी व्रत करम नवेदन करुच्ची जनसाधारण को सेने घर रही पूजा करूँ कोविड महामारी संक्रमण अत्यंत भयावह तेणु आम समस्त जाचु तार कुपरिणाम कौन घटी तेणु आम समस्त गुरुदायित्व हो आम संक्रमण निजे हवा ना ना आम पर हवाक दबानी ना आम अंचल को हवाक दबानी कटकवासी अपेक्षा करुर्गा पूजा आसब घरे गोटे खुशी महोल हम चारिड़े दशहरा बुलवा आमर गोटे परंपरा थिला आमे
ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଦଶହରା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ପୂଜା ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି, ମା କରନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନ ରହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଏ। କରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ 16 ଉପଚାର ସହ ମାଆଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହେବ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯିବ। ଯେ ଆମର 16 ଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ପୂଜାର ବିଧିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବୁ ଏବଂ ରାତି 8 ବେଳକୁ ସେ ବେଶଟି ଖୋଲା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ କାଳୀ ବେଶରେ ମାଆ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ତ ହେଉଛି ଜଗତର ମା, ସମସ୍ତେ ତ ତାରି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗିଲି, ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ମୋ ସଂସାର ତତେ ଲାଗିଲା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ କେମିତି ଏ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବେଦ ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପ। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି 16 ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି। ବରଷକୁ ଥରେ ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଭକ୍ତର ମନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।